स्वास्थ्य विकास दर प्रतिवर्ष पैदा होने वाले लाखों शिशुओं और भारतीय माताओं की बढ़ती स्वच्छता जागरूकता जैसे कारकों से प्रेरित है, जबकि भारत में लगभग 1.2 बिलियन की एक विशाल आबादी है। अन्य विकसित बाजारों की तुलना में डिस्पोजेबल डायपर का उठाव अभी भी कम है। हालांकि निर्माताओं का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में चीन से भी बड़ा मार्केट बना सकता है। शहरीकरण की तीव्र गति और काम करने वाले माता पिता दोनों के साथ आधुनिक परमाणु परिवारों की बढ़ती संख्या केवल भारत में डिस्पोजेबल डायपर की बढ़ती मांग को जोड़ देगी। बेबी डायपर बाजार के विकास को चलाने वाले प्रमुख कारकों में स्वच्छता बनाए रखने और बच्चों की त्वचा में चकत्ते को रोकने के लिए डायपर का लगातार उपयोग शामिल है। इसके जन्म दर तेजी से शहरीकरण और विकासशील देशों में लगातार आर्थिक स्थिति में सुधार ने बेबी डायपर उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। यही कारण है मीडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए डायपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक डॉक्यूमेंट्री ला रहा है। चलो देखते हैं कि इस व्यवसाय में हमें किन मशीनों की आवश्यकता होगी। डायपर बनाने के लिए हमें ऑटोमेटिक डायपर मेकिंग मशीन की आवश्यकता होगी। यदि आप छोटे पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। डायपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स है सेल्यूलोस, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथिलीन, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, टेप्स, इलास्टिक्स और एडहेसिव मटेरियल्स। प्रोसेस: डिस्पोजेबल डायपर पॉलीमर और फाइबर की मदद से बनाया जाता है जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। फिर सैंडविच प्रभाव देने के लिए शीर्ष पर अधिक शुद्ध फाइबर खींचा जाता है। यह फॉर्मेशन अपने केंद्र में एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बहुलक के साथ एक पैड बनाता है जो फाइब्रस सामग्री से घिरा होता है। पॉलीमर और फाइबर के समायोजन के बाद इसे रोलर को पास किया जाता है जहां इसे उचित तरीके से रोल किया जाता है। इसके बाद यह असेंबली मशीन में भेज दिया जाता है जहां कोर सामग्री के लंबे स्ट्रिप्स एक पॉलीइथिलीन बॉटम शीट और एक प्रीएम्बल पॉली प्रोपाइलिन शीर्ष शीट में शामिल हो जाते हैं। यह ग्लूइंग, हीटिंग या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द्वारा जुड़े जाते हैं। इलास्टिक के टुकड़ों को तब पैर और कमर के क्षेत्रों में रख दिया जाता है और डायपर को बंद करने के लिए टेप के स्ट्रिप्स को भी जोड़ दिया जाता है। डायपर सामग्री का अकेला आरएल व्यक्तिगत डायपर में कट जाता है। इसके बाद ये तैयार डायपर पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। इस तरह आज हमने डायपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी ली। आप भी यह बिजनेस बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही और नए व्यावसायिक आइडियाज के लिए आप हमारे YouTube चैनल मीडी उद्योग विषय को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।